है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस एडिट। तो है गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो आज का वीडियो फिर से लेके आ गए एक और धमाकेदार राजस्थानी स्टेटस एडिटिंग। और आज का सॉन्ग होने वाला गाइस 2 × 2 = 2 × 4, और ये वाला सॉन्ग होने वाला गणित वाला सॉन्ग होने वाला, बहुत ही तगड़ा सॉन्ग होने वाला। तो सबसे पहले तो आपको स्टेटस दिखा देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आगे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप स्टेटस देखिए गाइस। 2 × 2 = 4 तो है गाइस, आज का स्टेटस कैसा लगा गाइस? इस तरह का स्टेटस आप कैसे बना सकते हो? तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगा इस वीडियो को बनाने के लिए। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना गाइस। और इस वीडियो के अंदर हमने जो भी यूज़ किया, बिटमार्क प्रोजेक्ट, सेक प्रोजेक्ट और फ़ॉन्ट वगैरह और बैकग्राउंड वगैरह, इन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यूज़ कैसे करना, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा गाइस। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और मेरा ब्लॉग चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो वो मेरा सेटअप है गाइस, ये देख सकते हो आप पीछे। इस सेटअप का पूरा वो फुल वीडियो आने वाला है, पूरा सेटअप, क्योंकि मेरी लाइटिंग थोड़ी कमी थी तो वो लाइटिंग भी आ चुकी है। अब वो सेटअप करना और उसके बाद में मेरा ब्लॉग आ जाएगा, उस पर मेरा सेटअप कितने का क्या है, ठीक है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताता हूँ इस तरह की वीडियो आप कैसे एडिट कर पाओगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो दोस्तों, आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है अलाइट मोशन। अलाइट मोशन का लेटेस्ट मोड वर्जन आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है गाइस www.msedit.in। इस वाली वेबसाइट पर जाके आप देख लेना, वहाँ पे अलाइट मोशन के 3 वर्जन मैंने डाल रखे, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना गाइस, ठीक है। ओपन करने के बाद ये दो प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना गाइस। देखिए पहला रहेगा msedit बिटमार्क प्रोजेक्ट, दूसरा रहेगा msedit इफेक्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्ट आपको इंपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा गाइस, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या होगा, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना गाइस, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग के अंदर देखिए यहाँ पे लिरिक्स दिख रहे होंगे, तो अभी ये अच्छा से नहीं दिख रहे, तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऐड करना होगा। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना, और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका बैकग्राउंड है गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर लिया हूँ गाइस, और देख ले तो कहाँ पे मेरा बैकग्राउंड है गाइस, तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ। तो गाइस ये वाला मेरे को बैकग्राउंड ऐड करना है, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देंगे तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। अब इस बैकग्राउंड को फुल स्क्रीन करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देंगे, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा गाइस। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, इस बैकग्राउंड को इस प्रकार से होल्ड करके रखना, और इस प्रकार से आपको जितने ये लिरिक्स है गाइस, लिरिक्स के नीचे लाके आपको सेट करना होगा जैसे सॉन्ग के जस्ट ऊपर, ठीक है। उसके बाद में गाइस ये बैकग्राउंड यहाँ तक ही गाइस, अब इस बैकग्राउंड को आगे तक और लेना होगा, लिरिक्स के एंड के अंदर चले जाना। तो गाइस आपके देखिए लिरिक्स यहाँ तक है 4.26 सेकंड तक, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना इस बीट मार्क पे, उसके बाद इस जो बैकग्राउंड वाला लेयर इस पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना तो ये बैकग्राउंड यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में देखिए इस मेरे तो ये फॉन्ट हिंदी के अंदर दिख रहे होंगे, जो लिरिक्स वगैरह देखिए इस तो मेरे हिंदी के अंदर दिख रहे हैं, आपको इंग्लिश के अंदर दिखेंगे, तो इनका फॉन्ट चेंज कर लेना। फॉन्ट कैसे चेंज करना है, लिरिक्स पर क्लिक करेंगे, डबल टेक्स पर क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे यहाँ पे गाइस, और ये वाला फॉन्ट रख लेना गाइस। इस फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लेना, ऐड कर लेना। अगर आपको डाउनलोड करके ऐड करना नहीं आ रहा है गाइस, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, तो चैनल को चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा गाइस, ठीक। अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा गाइस। उसके बाद में देखिए गाइस, और उसके बाद में इसी जो आपने बैकग्राउंड लिया गाइस, इसको आपको कॉपी करना होगा, इसी बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद प्लस लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद कॉपी लेयर पे क्लिक करना गाइस, क्योंकि आगे भी आपके लिरिक्स मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको ये बैकग्राउंड ऐड करना होगा। तो आगे और जाएंगे गाइस, और देख लेना गाइस यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फिर से आपके लिरिक्स स्टार्ट हो जाते हैं 16.8 सेकंड पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाना, फिर से प्लस लेयर पे क्लिक करके पेस्ट लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, तो ठीक है ना गाइस। तो ये बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसके बाद इस बैकग्राउंड पे इस प्रकार से होल्ड करके रखना, और आपके लिरिक्स है लिरिक्स के नीचे लाके आपको सेट कर देना, तो अब आपके लिरिक्स इसके अंदर अच्छे से दिखने लग जाएंगे, जो देख सकते हो गाइस। उसके बाद इस बीट ये लिरिक्स यहाँ तक ये गाइस, ठीक है, जो 20.22 सेकंड तक, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो इसको काटना होगा, तो इसी बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे गाइस, तो बैकग्राउंड कट जाएगा जो पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में गाइस जो मेन काम है वो कंप्लीट कर लेते गाइस, ठीक है। यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। उसके बाद में देखिए गाइस, यहाँ पे आ जाना इस बीट मार्क पे, ठीक है ना गाइस, इस बीट मार्क पे आ जाना आपको,
13.10 सेकंड पे। यहाँ पे एक फोटो एड करना होगा, फोटो एड करने के लिए प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना, ओके गाइस। उसके बाद यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है गाइस। तो देखिए गाइस मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और ये वाली फोटो मेरे को ऐड करना है। फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फोटो को फुल स्क्रीन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना गाइस, फोटो का साइज फुल हो जाएगा। उसके बाद ये फोटो यहाँ तक ही गई, अब इसको एंड तक करना होगा। तो इस वाले आइकन पे दो बार क्लिक करना, एक और दो, अगले बिट मार्क पे चले जाना और इसी फोटो वाले लेयर पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, तो ये फोटो यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद में ये गाइस इसके नीचे देख सकते हो गाइस, ये चार लेयर है, इस चारों लेयर के नीचे इस फोटो को ऐड करना होगा। तो इस प्रकार से इस फोटो को होल्ड करके रखना, नीचे लाके इसको सेट कर देना, ओके गाइस। अब इस फोटो के अंदर आपको एक इफेक्ट और ऐड करना होगा, तो यहाँ से आपको बैक जाना है और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद आपको लास्ट लास्ट के अंदर चले जाना गाइस, ये वाली फोटो मिलेगी, तो फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, जो अभी आपने फोटो ऐड करी है गाइस उस फोटो पे चले जाना। देखिए मैं दिखा दूँ, इस बिट मार्क पे आ जाना गाइस 13.10 सेकंड पे, और जो ये आपने फोटो ऐड करी तो फोटो पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ जाएगा, जो बहुत ही शानदार तरीके का इफेक्ट है गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस। अब आपको करना क्या होगा गाइस, आगे जाना और आगे एक जगह और आपके बन थोड़ा सा आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद यहाँ पे चार लेयर मिलेंगे गाइस। तो चार लेयर के अंदर आपको दो लेयर नीचे वाले हैं, इनके अंदर आपको फोटो ऐड करना। तो देखिए इमेज बॉय है, इसके अंदर आपको बॉय की फोटो लगाना, नीचे इमेज गर्ल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स की फोटो ऐड करना है, तो सबसे पहले इमेज बॉय पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार वाले आइकन पे क्लिक करेंगे गाइस, ठीक है। और यहाँ से आपको सबसे पहले तो फोल्डर ओपन कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ से जल्दी से फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए मैंने फोल्डर ओपन कर लिया, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बॉय की फोटो ऐड करना है, तो बॉय पे देखिए बॉय वाली ये वाली फोटो ऐड कर लेता हूँ। फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, प्लस पे क्लिक कर देना, ये फोटो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में ये नीचे गर्ल्स वाला लेयर है, तो इस वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टार वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको सेकंड वाली फोटो गर्ल्स की फोटो ऐड कर लेना है और उसके अंदर प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दोनों के अंदर फोटो हो जाएगी ऐड, उसके बाद कुछ इस प्रकार से इफेक्ट देखने को मिलना वाला गाइस, जो देखिए कितना शानदार। उसके बाद में देखिए अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया गाइस, जो मेन मेन काम था वो कंप्लीट कर दिया गाइस। अब आपको केवल जहाँ जहाँ खाली जगह वहाँ पे आपको फोटो ऐड करना होगा बिट मार्क के हिसाब से, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस जहाँ जहाँ मेन मेन काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब जहाँ जहाँ खाली जगह वहाँ पे फोटो ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक फोटो ऐड करके दिखा देता हूँ गाइस, बाकी की फोटो आप ऐड कर लेना गाइस, ठीक है। फोटो कैसे ऐड करना है, यहाँ पे 4.26 सेकंड से यहाँ पे बिट मार्क स्टार्ट हो रहा है, तो प्लस पे क्लिक करना, उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी फोटो है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो भी फोटो ऐड करना है फोटो पे क्लिक करेंगे, फोटो यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देंगे गाइस, तो फोटो यहाँ पे आ जाएगा। फोटो को फुल स्क्रीन करना है, तो थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद फिल कंप्रेशन एरिया पे क्लिक कर देना गाइस, तो फोटो का साइज फुल हो जाएगा। उसके बाद अगले बिट मार्क पे जाना और पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट काटना, तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है, पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट कट जाएगा। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ खाली जगह गाइस, तो बिट मार्क के हिसाब से आपको एंड तक फोटो ऐड कर लेना गाइस। तो यहाँ पे मैं सभी फोटो ऐड करके फिर बताता हूँ, नहीं तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो ओके गाइस, देखिए मैंने सभी फोटो ऐड कर ली, जहाँ जहाँ पे बिट मार्क था वहाँ वहाँ पे मैंने फोटो ऐड कर ली बिट मार्क के हिसाब से, ठीक है। जहाँ जहाँ खाली जगह थी वहाँ पे मैंने फोटो ऐड कर ली एंड तक, ठीक है। अब इन फोटो के अंदर इफेक्ट लगाना, तो कौन सी फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा, कौन सी फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा गाइस, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है गाइस, यहाँ पे देखिए 4.26 सेकंड पे, ठीक है। अब इस फोटो के अंदर कौन सा इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से आपको बैक जाना है और इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट ओपन कर लेना गाइस, ठीक है। ओपन करने के बाद थोड़ा से ध्यान से देख लेना गाइस, कोई इफेक्ट कुछ अलग तरीके से पेस्ट होता गाइस, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट वाली फोटो आ रही, फोटो पे आपको क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक जाना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद सबसे फर्स्ट वाली फोटो आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, फोटो पे आ जाना, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद में देखिए पेस्ट स्टाइल, ठीक है, इस पे या इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। और ये तीनों ऊपर रहेंगे, इनको हटा देना इस प्रकार से, ठीक है, उसके बाद पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह का इफेक्ट लग जाएगा, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। उसके बाद अगली फोटो पे चले जाना गाइस, अगली फोटो पे, उसके बाद यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्लस लेयर पे क्लिक करेंगे और पेस्ट स्टाइल पे क्लिक कर देना और पेस्ट कर देना गाइस, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर भी इफेक्ट लग जाएगा, जो देख सकते हो गाइस, ठीक है। अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना इसी प्रकार से, ठीक है। तो टाइमिंग देख लो गाइस, 4.26 सेकंड से लेके गाइस और यहाँ तक आपको ये इफेक्ट ऐड कर लेना यहाँ तक, ठीक है ना। जो 8.9 सेकंड तक इस फोटो तक आपको ये इफेक्ट इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना गाइस, जो मैंने आपको बता दिया तरीका, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करके पेस्ट करना होगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना गाइस। उसके बाद अगली फोटो ये वाली आ रही है, अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से आपको बैक जाना गाइस, बैक जाने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद यहाँ पे दो नंबर वाली फोटो मिलेगी, ये वाली, तो दो नंबर वाली फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद कॉपी पे कर लेना गाइस, ठीक है, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बैक आना है, बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस।
ओपन करने के बाद में जो मैंने टाइमिंग बताऊंगा उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस। देखिए इस बीट मार्क पे इस बीट मार्क पे आ जाना 8.9 सेकंड पे, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। ठीक है, तो इस फोटो के अंदर भी इफेक्ट लग जाएगा गाइस, जो कुछ इस प्रकार से आ रहा है जो देख सकते हो गाइस। उसके बाद आगे जाना, अगले बीट मार्क पे आ जाना गाइस, इस बीट मार्क पे। अब इस बीट मार्क पे देखिए 10.16 सेकंड पे, ठीक है, इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ से आपको बेक जाना है। बेक जाने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए तीन नंबर वाली फोटो है, फोटो पे आपको क्लिक करना, उसके अंदर प्लस लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना गाइस। उसके बाद यहाँ से आपको बेक आ जाना है, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद में आपको चले जाना गाइस, जो मैं आपको बीट मार्क बता रहा हूँ उस बीट मार्क पे चले जाना गाइस। ठीक है, जो भी मैं बता दूंगा, तो गाइस इस बीट मार्क पे आ जाना आपको गाइस 10.16 सेकंड पे, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद में यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद में पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करना यहाँ पे। ठीक है, और ये तीनों दिख रहे हैं, इनको इस प्रकार से हटाना होगा और पेस्ट कर देना गाइस। ठीक है, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से आ रहा है गाइस। ठीक है, अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना वो टाइमिंग देख लो गाइस। तो 10.16 सेकंड से लेके गाइस, और ये इफेक्ट आपको यहाँ तक पेस्ट कर देना इस बीट मार्क तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, इस फोटो तक, ठीक है, मतलब 13.10 सेकंड तक, ठीक है, यहाँ तक कर देना। उसके बाद में आपको आगे जाना, और आगे जाने के बाद इसके अंदर आपने पहले ही काम कंप्लीट कर लिया था गाइस। ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो मैंने पहले ही बता दिया था इसको। और उसके बाद आगे जाएंगे तो आगे आपको लिरिक्स देखने को मिल जाएंगे, जो देख सकते हो गाइस। फिर उसके बाद फिर से आगे जाना है, ये उसके बाद में ये वाली फोटो देखने को मिलेगी गाइस 20.22 सेकंड पे। ठीक है, तो ये वाली फोटो देखने को मिल रही है गाइस। अब इस फोटो के अंदर कौन से इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से आपको बेक जाना है। बेक जाने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद उसके बाद में देखिए गाइस, यहाँ पे आगे जाना और चार नंबर वाली फोटो है, फोटो पे आपको क्लिक करना, उसके बाद प्लस लेयर पे क्लिक करना, उसके बाद में कॉपी लेयर पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ से आपको बेक आ जाना गाइस, और बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस। ठीक है, तो मैं जल्दी से उस टाइमिंग पे चले जाते गाइस। देखिए 20.22 सेकंड पे आ जाना, उसके अंदर फोटो पे क्लिक करना, उसके अंदर में यहाँ पे प्लस लेयर पे क्लिक करना और पेस्ट स्टाइल इस वाले आइकन पे क्लिक करना। उसके बाद ये तीनों को यार इस प्रकार से हटा देना, उसके बाद पेस्ट कर देना गाइस। ठीक है, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है गाइस, अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना, इसी तरीके से लगाना होगा गाइस, जो मैंने बता दिया आपको 20.22 सेकंड से लेके और गाइस यहाँ तक आपको ये इफेक्ट लगा देना गाइस 24.8 सेकंड तक। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लगाना, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो फोटो पे क्लिक करना, प्लस लेयर पे क्लिक करना और पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करके ये तीनों को हटा देना और उसके बाद में पेस्ट कर देना गाइस। ठीक है, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट लग जाएगा। उसके बाद में गाइस आगे जाओगे, आगे जाने के बाद ये वाला इफेक्ट आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, ये वाला स्टेप आपने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, जो देख सकते हो गाइस। उसके बाद आगे जाना अगले बीट मार्क पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 27.2 सेकंड पे आ जाना, यहाँ पे आपको कौन सा इफेक्ट लगाना गाइस इस फोटो के अंदर। ठीक है ना, तो गाइस यहाँ से आपको बेक जाना, बेक जाने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस। ओपन करने के बाद यहाँ पे चले जाना गाइस 5 नंबर वाली फोटो पे, फोटो पे आपको क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर लेना गाइस। ठीक है, कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से आपको बेक जाना, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना गाइस, और जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ उस टाइमिंग पे चले जाना गाइस। ठीक है, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ गाइस, इस बीट मार्क पे आ जाना गाइस 27.2 सेकंड पे, फोटो पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट पे कर देना गाइस। ठीक है, तो इस फोटो के अंदर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा गाइस, जो कुछ इस प्रकार से आ रहा है, जो देख सकते हो गाइस। ठीक है, अब ये इफेक्ट आपको कितनी फोटो के अंदर लगाना वो टाइमिंग देख लो गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इस बीट मार्क से लेके 27.2 सेकंड से लेकर और लास्ट फोटो गाइस आपकी 29.28 सेकंड तक, इस फोटो तक ये इफेक्ट इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना गाइस। ठीक है, यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो जाएगा गाइस। अब इसके अंदर अपना बॉर्डर पीएनजी ऐड करना होगा, तो बॉर्डर पीएनजी ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना गाइस। जिस भी फोल्डर के अंदर आपका बॉर्डर पीएनजी गाइस, उस वाले फोल्डर को ओपन कर लेना गाइस। ठीक है, तो मैंने यहाँ से फोल्डर ओपन कर लिया और देख लेता हूँ गाइस कौन सा मेरे को बॉर्डर पीएनजी ऐड करना गाइस। तो यहाँ पे देख लेते गाइस, तो गाइस ये वाला मेरे को बॉर्डर पीएनजी ऐड करना है, तो बॉर्डर पीएनजी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, तो बॉर्डर पीएनजी एकदम परफेक्टली यहाँ पे ऐड हो जाएगा गाइस। अब ये देखिए गाइस, ये बॉर्डर पीएनजी यहाँ तक है, अब इसको एंड तक लेना होगा गाइस। इसी बॉर्डर वाली पीएनजी पे क्लिक करना, एंड पे जाना और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, तो गाइस बॉर्डर पीएनजी आपका एंड तक आ जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना होगा गाइस, अब इसके अंदर अपना लोगो ऐड करना होगा, लोगो ऐड करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर आना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और यहाँ से आपको फिर से फोल्डर ओपन कर लेना गाइस, जिस भी फोल्डर के अंदर आपका मतलब लोगो है। ठीक है ना गाइस, तो मैं यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लिया हूँ, देख लेता हूँ गाइस कहाँ पे मेरा लोगो है गाइस। ठीक है, तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ, तो गाइस ये रहा लोगो, लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद प्लस पे क्लिक कर देना गाइस, तो लोगो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इस लोगो को जहाँ पे भी सेट करना चाहते हो तो इस प्रकार से आपको लाके जहाँ पे सेट कर लेना गाइस, तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद ये लोगो का लेयर गाइस यहाँ तक ही, अब इसको भी एंड तक करना होगा, एंड के अंदर जाओ और इसी लेयर पे क्लिक करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, तो लोगो का लेयर एंड तक आ जाएगा। फाइनल गाइस वीडियो पूरा कंप्लीटली बन चुका है। अब गाइस इस वीडियो को आपको सेव करना गैलरी के अंदर, तो इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पे वीडियो पे सेलेक्ट करना, उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना गाइस। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट रिजोल्यूशन वो सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे
आप क्लिक करोगे, जो भी आपके फोन में सपोर्ट कर रहा है वो रख लेना गाइस। तो मेरे फोन में 1080 सपोर्ट कर रहा है तो मैं 1080 रख लेता हूँ। अगर आपके फोन में 1080 सपोर्ट नहीं कर रहा तो गाइस 720 पी रख लेना, तो मैं 1080 रख लेता हूँ। उसका फुल कर देना, क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी को फुल करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना गाइस। तो आपकी वीडियो पूरी एक्सपोर्ट होने लग जाएगी, ये पूरा 100% एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेव का बटन आएगा, सेव के बटन पर आपको क्लिक कर देना गाइस, आपकी वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी।